एशिया कप फाइनल विमेन में इंडिया को हरा दिया है 8 विकेट से, और सच बताऊं तो भरता बनाकर रख दिया भाई आपका। 166 जब बना था तब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि श्रीलंका चेस कर लेगी, और क्या विजुअल्स आ रहे हैं श्रीलंका, मतलब विमेन ऑल ओवर द प्लेस, मतलब ऑल ओवर द प्लेस नहीं, ओवर द मून, बहुत खतरनाक इन्होंने मैच खेला है। और मारा कम है घसीटा ज्यादा भाई साहब, इतनी बुरी तरह मारा पहले अट्टा पट्टू ने, उसके बाद माधवी उन्होंने भी मार दिया भाई। ओ माय गॉड, श्रीलंका वुमेन ने इंडिया वुमेन्स को एशिया कप के फाइनल में हरा दिया है। कितना ही बुरी तरह इंडिया को हराया है। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 166 रन का दब दिया था, जो कि श्रीलंका वुमेन ने आसानी से चेज कर लिया। इसके मतलब भारतीय मीडिया का रद्दअमल सामने आ गया है। भारतीय मीडिया इसके मतलब अपना रोना धोना धो रहा है। आइए भारतीय मीडिया का रद्दअमल देखते हैं कि वो इसके मतलब क्या कहता है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एशिया कप फाइनल विमेन में इंडिया को हरा दिया है 8 विकेट से, और सच बताऊं तो भरता बनाकर रख दिया भाई आपका। 166 जब बना था तब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि श्रीलंका चेस कर लेगी, और क्या विजुअल्स आ रहे हैं श्रीलंका, मतलब विमेन ऑल ओवर द प्लेस, मतलब ऑल ओवर द प्लेस नहीं, ओवर द मून, बहुत खतरनाक इन्होंने मैच खेला है। और मारा कम है घसीटा ज्यादा भाई साहब, इतनी बुरी तरह मारा पहले अट्टा पट्टू ने, उसके बाद माधवी उन्होंने भी मार दिया भाई। और 2 विकेट, 1 रन आउट हुआ, 1 आउट हुआ तुमसे, 1 रन आउट हुआ और 1 आउट हुआ। 166 कहीं से भी कम स्कोर नहीं है, लेकिन इन्होंने मक्खन की तरह चेज करा भाई, दो मक्खन की तरह। अभी 1.5 ओवर बचा हुआ था और मार मार के भरता बना दिया एंड में, तो दे छक्के में छक्के, छक्के चौके छक्के डबल सिंगल। और श्रीलंका टीम को आप देखेंगे तो लग रहा है बाकी चैंपियंस है, और इंडिया टीम को देखेंगे तो चेहरे पे बाले बजे हुए हैं। स्मृति मंदाना ने भी रन बनाया आज, और लेकिन विकेट आपको ले नहीं पाया। मैं तो अभी भी आई एम शॉक्ड कि आप, ये तो लग रहा था यार वॉक इन द पार्क होगा आपके लिए, आप तो आसानी से जीतोगे, आपने पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करा था। स्मृति ने रन मारे हैं, बाकियों ने भी रन मारे हैं, विकेट्स भी लिए हैं, लेकिन ये हुआ क्या है? मैं तो मिडिल में शॉर्ट था, क्या मैच हार रहा मैं इनको बोल देता 166 पे, मैं बोल रहा था कि यार आप हमेशा हार रहे, इसमें कुछ है ही नहीं तो एनालिसिस करोगे किस बात पे करोगे यार? सीधी सी बात ये थी कि पिच पे कुछ था ही नहीं, 166 आपने बनाए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जिस पिच पे ऋचा घोष और जिमी रोड्रिग्स, अगर आपकी रोड्रिग्स की बात करें 180 की स्ट्राइक रेट से खेली गई, वो ऋचा घोष की बात करो 200 की स्ट्राइक रेट से, 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से, वहीं पे आप देखो कि भैया स्मृति मंदाना जो है रन जरूर बनाए लेकिन स्ट्राइक रेट 127 की रही, हमने भी कॉर्ड में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी। तो बेसिकली आज आपके बड़े नाम ने काम करके नहीं दिया, वही उनके अट्टा पट्टू बड़ा नाम अच्छा काम करके दिया। अरे भाई आपकी इतनी बुरी तरह मारा कि आपका कोई टिका ही नहीं इनके सामने, ये हुआ क्या कोबरा जी? नहीं ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जब हम मिडिल समझ में नहीं आया, मिडिल बने थे, हाँ प्रियांशु भी यही बात कह रहे थे उस समय कि ये मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका चेस कर जाए, क्योंकि विकेट में कुछ नहीं था, वैसे ही हुआ। आज से पहले मतलब ये रिजल्ट आने से पहले 166 मतलब वो ह्यूज टोटल होता है। जिंदगी में कभी श्रीलंका ने चेज नहीं करा था, चेज नहीं किया था, पहली बार एशिया कप जीत रही है श्रीलंकन टीम, श्रीलंकन विमेंस टीम पहली बार, आज तक 4 बार रन आउट बनाए लोग, 4 से 5 बार पहली बार इनकी हिस्ट्री में, विमेंस क्रिकेट की हिस्ट्री में श्रीलंका। राधा यादव ने पूरे टूर्नामेंट में एग्रेशन दिखाया, मैंने सारे मैचेस देखे, लेकिन आज के मैच के अंदर 4 ओवर में 47 रन दिए, 11.8 दिखा दो यार। कान आई थी ना जो पहले ही ओवर में उन्होंने चौका मारा था, उसी से पता लग गया था भाई कि वो जीत के लिए जा रहे हैं। और वो उन्होंने 100 भी बनाया हुआ इस टूर्नामेंट में, 70 रन भी बनाए हुए इस टूर्नामेंट में, आज भी उन्होंने 50 बनाई है, और वहीं से पता लग गया था। देखो आप हरमनप्रीत की बात कर रहे थे, हमारी टीम की कप्तान और उनकी टीम की कप्तान, वहीं पे डिफरेंस है, मैच वही जो है वो खत्म। अट्टा पट्टी को देख लो, 43 बॉल में 61 रन्स, 141 की स्ट्राइक रेट है। माधवी को देख लो, 2 छक्के 6 चौके माधवी के लिए, और अट्टा पट्टू ने 9 चौके 2 छक्के भाई साहब। माधवी को देख लीजिए, 135 की स्ट्राइक रेट है, और फिर नीचे से दिलहारी 16 में 30 भाई साहब, 16 में 30 ही ने तुम्हारे एंड में, 2 छक्के और 1 चौका, 187.5 की स्ट्राइक रेट, फोड़ फाड़ के आपको अलग कर दिया। 18.4 ओवर्स मतलब विद 8 balls टू स्पेयर दे हैव चेज्ड द मैम, टोटल टारगेट था 166-167 फॉर 2, सिर्फ 1 विकेट गई है इनकी, और एक तो एक्चुअली रन आउट हुई है, गुना रत्न जो रन आउट हुई है, और अट्टा पट्टू जो बोल्ड हुए दीप्ति से। हमारी वाली बैटिंग में दिखाना था एक बार, फिर से वही बोलूंगा भाई, वेल डिजर्व श्रीलंकन टीम ने जो एशिया कप जीता है यहाँ पे विमेंस ने, वेल डिजर्व। हमारी चलो हमारी बॉलिंग देख लेते हैं, रेणुका ठाकुर सिंह जी 7.7 की इकोनॉमी रेट, कोई विकेट नहीं है। पूजा वस्त्रकर 29 रन दिए 3.4 में, 7.9 की इकोनॉमी रेट, कोई विकेट नहीं है। दीप्ति शर्मा 4 ओवर 30 रन 7.5 की इकोनॉमी रेट, 1 विकेट मिलती है। तनुजा कंवर 4 ओवर 34 रन 8.5 की इकोनॉमी रेट, और सबसे ज्यादा धुलाई राधा यादव 4 ओवर 47 रन्स एंड 11.8 की इकोनॉमी रेट, भाई साहब नेस्ता नाबूद करके रख दिया हमारी बोलिंग को। विकेट नहीं ले पाया, विकेट कौन लेगा भाई, विकेट तो लोना कोई ना कोई विकेट। अरे आप अभी बोल रहे थे 180 200